राजद सुप्रीमो लालू यादव का 76वां जन्मदिन है और हमारी मौजूदगी उनके सरकारी आवास रावड़ी आवास पे है, जहां तस्वीरों के माध्यम से देख लीजिए किस प्रकार से लगातार लालू यादव पूरे परिवार के साथ है। लालू यादव, मीसा भारती, रावड़ी देवी, उनकी जो बेटी है रोनी आचार्य है, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जगदानंद सिंह, आप ललन सिंह है यहाँ पे, तमाम लोग लालू यादव को बधाई देने पहुँचे। सुबह से ही लगातार लालू यादव के घर पे लोगों का पहुंचने का सिलसिला जो था वो जारी था, और सीधे तौर पे तमाम कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद लोगों ने गुलदस्ता फूल देकर बधाई देने का काम किया। और तस्वीरों के माध्यम से सीधे तौर पे देखिए कि भारी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे, लोगों ने बधाई दिया, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो खाजा, लड्डू, तमाम चीज़ लोग लेके पहुँचे। यहाँ के पे केक काटा गया, लोगों को केक बांटा गया, और भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है उसका हुजूम उमड़ पड़ा है। तमाम लोगों से मिलकर लालू यादव ने लोगों को आशीर्वाद दिया, बधाई स्वीकार की, और सीधे तौर पे राबड़ी देवी जो हैं वो भी मौजूद हैं, रोनी आचार्य मौजूद है, अब्दुल बारिकी सिद्दीकी मौजूद है। तमाम लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि लालू यादव जिस प्रकार से 2017 के बाद आए हैं वो काफ़ी खुशी का पल है, और सद्भावना दिवस के रूप में कहीं ना कहीं ये आज लालू यादव का जो जन्मदिन है वो मनाया जा रहा है। भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो सीधे तौर पे खुश है, और देखिए लालू यादव कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस लेवल झुक रहा है, और सीधे तौर पे तमाम लोगों से लालू यादव ने मुलाकात की और सीधे तौर पे बधाई देने का भी लालू यादव ने काम किया। और सीधे तौर पे हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे थे कि किस प्रकार से लालू यादव जो हैं वो अपने परिवार के साथ जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, और सीधे तौर पे इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से ये मंत्र दिया है कि 2024 का जो चुनाव रहेगा नरेंद्र मोदी को भगाने के लिए तमाम एकजुट होंगे। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से लगातार जो कहीं ना कहीं 75 किलो का जो लड्डू है वो लालू यादव के जन्मदिन के खुशी में वो सीधे तौर पे बांटा गया है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो लगातार मीडिया को हटाने का काम कर रहे हैं, और स्थितियां काफ़ी खुशनुमा है। और लालू यादव के तमाम जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं उनको सीधे तौर पे लालू यादव ने कहा है कि 2024 की तैयारी करिए, और आने वाले समय में 2024 में नरेंद्र मोदी को परास्त करना, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना है, उसको लेके भी तमाम कार्यकर्ताओं से लालू यादव ने मिलने का काम किया। रोहित, दर्शन न्यूज, पटना।